हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम इस वर्ल्ड के अंदर हमारे सर्वाइवल कलेक्शन वाले वर्ल्ड में हम अपना एक घर बनाने वाले हैं, वुडन हाउस हैं। और हमारे इस वुडन हाउस को बनाएंगे हमारे इस फोर्थ पार्ट में वीडियो सर्वाइवल वर्ल्ड कलेक्शन के। आपने जो पिछले पार्ट नहीं देखे तो पिछले पार्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज हमने इस वर्ल्ड के अंदर मतलब पिछले कुछ पार्टों में फ्लैग भी बनाया है, शीप फार्म बनाया है, ये वाला आप देख सकते हो। जैसे कि अब मेरे को वुड वगैरह लानी है, उसके लिए एक्स बनानी पड़ेगी। बनाने के लिए मेरे कबल स्टोन लगेगा, थोड़ा सा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, मैं वो भी करूँगा अभी। यहाँ पर ये सामान रखते हैं, रोड वगैरह सेट करके रखूँ ऊपर की तरफ। और इसमें है कुछ मेरे लेने लायक, कबल स्टोन वगैरह है नहीं है, कबल स्टोन लाना ही पड़ेगा मेरे को भी। काम करता हूँ गाइस, मैं कबल स्टोन माइन करके लाऊँ जल्दी से। कबल स्टोन माइन करके लाना पड़ेगा, पीछे होगा, मैंने एक जगह माइन करी थी पीछे। हाँ, ये रही कबल स्टोन, यहाँ से माइन कर लेता हूँ। एक काम करूँ जल्दी से, कबल स्टोन यहाँ से मैं ले तो चलूँ, थोड़ा और ले लेते हैं। काफ़ी सारी एक्सेस बन जाएंगी हमारी गाइस, इससे हम अपनी वुड वगैरह लेकर आ सकते हैं। हम बहुत सारी वुड लाएंगे, फिर उससे हम अपना घर बनाएंगे। वुड के लिए मतलब अपने हाउस के लिए एक एरिया भी डिसाइड करना है, कहाँ पर बनाना है अभी हाउस वगैरह के लिए। एक जगह देख कर आएंगे अभी, कहीं पर ऊपर पहाड़ पे बनाएंगे या फिर कहीं और देखेंगे। मतलब अपने झंडे से आगे बनाएंगे या फिर कहीं और, मतलब इस अलग जगह बनाएंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे अपने झंडे से या फिर कहीं और बनाएंगे। आप देखिए कहाँ पर बनाते हैं। अब हम ये लगा दूँ, रात होने वाली है, उससे पहले कि मैं सोने चले जाऊँ, नहीं तो कहीं ज़ॉम्बी ना मार दे मेरे को। चलिए गाइस चलते हैं। यार ये क्रीपर वगैरह गड्ढे कर देते हैं, एक पिग हमारा बेमतलब है, जल्दी सो जाऊँ, गेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो सो के उठ के बात करते हैं गाइस। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हम आ चुके हैं अपने इस वर्ल्ड में। आ तो पहले गए थे, मतलब गुड मॉर्निंग हो गया हमारे इस वर्ल्ड में। देख सकते हो इधर ज़ॉम्बी है हमारा, उस तरफ से नहीं जाते हुए हम ऊपर चलते हैं। पहले कबल स्टोन जो माइन करे थे उसकी एक्सेस वगैरह बनाती हैं हमें, एक्स बनाएंगे, फिर वुड माइन करने जाएंगे। बहुत सारी वुड माइन करेंगे जिससे हम अपना घर बनाएंगे। जल्दी से जल्दी जल्दी फूड एक्स बना लेता हूँ, मेरे काफ़ी सारी स्टिक तो पड़ी हैं। खैर 3, 4, 5 जो भी बनेंगे 5 बना लेते हैं। 5 एक्स बन के तैयार होगी वैसे तो हमारी। चलो वुड माइन करने के लिए चलता हूँ अब मैं जल्दी से। गाइस हमारा ये घर थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरफ बनाऊँ, इस तरफ तो बनाऊँगा नहीं खैर, मैं पूरा जंगल टाइप का एरिया है। और यहाँ की जगह भी साफ़ करनी पड़ेगी, और भी कुछ काम पड़ेगा ना। ये पूरा एक पहाड़ीला इलाका है, यहाँ पर मैं क्या कैसे कैसे बनाऊँगा समझ के बाहर इस वजह से। और गाइस यहाँ पे मैं काफ़ी सारी वुड माइन कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ आगे कुछ समय बाद। हाँ गाइस, मैं काफ़ी सारी वुड माइन करते हुए आ गया, इस वजह से अब चलते हैं ज़रा। ये वुड कहाँ की जो मैंने तोड़ी थी अभी हाथ से, इन्वेंट्री में भी नहीं आई वुड कहाँ की। अरे वो पड़ी यहाँ से, पहले लूँ वुड लेकर ऊपर चलता हूँ। और चीप मार्गों से ये बारिश हो रही है गाइस, इस बारिश में क्या कर सकते हैं। तो हम इस बारिश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, हम कोल्ड ड्रिंक रख के यहाँ पर अपना वाटर का सोर्स एक बना सकते हैं। अगर हम वैसे वन ब्लॉक के अंदर हों, वैसे वाले जिसके अंदर पानी नहीं है बिल्कुल भी, कोल्ड ड्रिंक बनाओ जिसके अंदर हमारा ये पानी कलेक्ट होगा, उस पानी से हम अपना अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकते हैं धीरे धीरे। जल्दी जल्दी हमारा प्यारा सा इंडिया का फ्लैग आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। इस बात पर लाइक जरूर करें वीडियो को गाइस। चलिए हम वुड तो माइन करके ला चुके हैं, चेस्ट बनाते हैं जिसके अंदर मैं ये सब रखूँ। देखते हैं उसके लिए है ना जो चेस्ट वगैरह हैं, यहाँ पर चेस्ट भी नहीं है, चेस्ट बनानी पड़ेगी मेरे को गाइस, चेस्ट बनानी पड़ेगी। वो ले लूँ लकड़ियाँ, काम आ जाएंगे अभी मेरे। ये क्या डर्ट वगैरह रखी थी, ये मैंने ऊपर का मतलब यहाँ का शीप का क्लियर करा था ना एरिया, ये उसकी डर्ट है। और ये एरिया क्लियर कर रहा था उसकी डर्ट है, मैंने 2 चेस्ट तो बना ली, उधर लगा देता हूँ फर्नेस के आगे। इधर लग गई हमारी, इधर से मैं सारी वुड रख देता हूँ, घर बनाने का सामान अपना सारी वुड वगैरह। ये फिर 56 मतलब एक उसमें लगा देता हूँ, ओक की वुड है ना सारे, उसकी उसके अंदर लगा देता हूँ। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से मैं भी ना, और इसमें ये भी लग चुका हूँ।
वाले वुड को, और ये ओक प्लैंक से हमारे पास कुछ एक काम आएंगे, हमारे इधर से घर बनाने जाएंगे। ये डिसाइड करके हम रात होने वाली है। ये रखते हैं सामान अपना। सैपलिंग्स लाया था ना, हाँ बोल बताने भूल गया, सैपलिंग्स लाया था मेरे को वहाँ से मिली थी ना, वुड कट करी थी, सब बहुत सारी वुड कट करी थी मैंने, काफ़ी सारी सैपलिंग्स मिली थी जिससे हम अपने जंगल में और भी सारी वुड उगा सकते हैं। गाइस मैं मतलब अब अपना एरिया ढूंढने के लिए आ चुका हूँ सोकर, यहाँ पर देखते हैं घर बना लेंगे। मैंने काफ़ी मतलब शवल भी बना चुका मैं, देखते हैं यहाँ पर अपना घर बनाने के लिए एक मस्त सी जगह, इस जगह पे बनाएं कि कहीं और बनाएं। ओ उस तरफ बनाते हैं अपने ओशन के पास, वहाँ पर जगह भी प्लेन है और हल्की सी और करनी पड़ेगी वैसे तो, मस्त जगह है, उस जगह पे बनाएंगे और अच्छा भी लगेगा। गाइस वहीं पर ही बनाएंगे अब अपना घर, एक एरिया क्लीन करना पड़ेगा उसके लिए हमें। अरे ये जगह सही है वैसे तो, इसी जगह में बनाएंगे हम अपना घर। आगे चल के अभी एक एरिया देख लेते हैं पूरा, मतलब प्लेन सा जिसमें बनाए हम। हाँ इस एरिया को क्लीन कर देता हूँ गाइस मैं, ये काफ़ी सही है, क्लीन करने के बाद मिलता हूँ आपसे। गाइस मैंने सारा एरिया क्लीन कर लिया है वैसे तो, आप देख सकते हो इस जगह पर मैं अपना प्यारा सा घर बनाऊँगा जिसमें मैं रहूँगा। और ये काऊ घूम रही है हमारी, चलिए गाइस थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, सामान वगैरह ले आऊँ थोड़ा सा। सो गाइस मैं अपना सामान वगैरह लेकर आ चुका हूँ अपना सारा के सारा, जिससे हम अपना घर बनाएंगे। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अपना ओक प्लैंक्स बनानी पड़ेगी, उसके लिए क्राफ्टिंग टेबल वगैरह भी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर क्राफ्टिंग की टेबल बनाऊँ पहले मैं, क्राफ्ट टेबल बन चुकी है गाइस हमारी, यहाँ पर काम वगैरह हमें स्टार्ट करना है फिर घर के लिए। ओक प्लैंक्स बना लेता हूँ पहले मैं इनसे, फिर घर का स्ट्रक्चर तो वैसे ही वुड से ही बनाना पड़ेगा, ओक से थोड़ी ना बनाऊंगा अपना घर का स्ट्रक्चर। ये हमारी निकल चुकी है, स्टार्ट करता हूँ घर बनाना अपना। एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मेरे को उसके लिए, पहले स्ट्रक्चर बना के तैयार करूँगा गाइस। पहले वाटर बकेट निकालूँ, इससे वाटर बकेट निकालता हूँ पहले, यहाँ से नीचे कूदूँ। ये कूद गया मैं, यहाँ से फिर मैं वापस से वुड लगाना स्टार्ट करूँ। काफ़ी सारी वुड लग जाएगी इसके अंदर, जिस तरीके से मैं बनाऊँगा अपना घर प्यारा सा घर बनाऊँगा, जिससे मैं अपना वुड से स्टार्ट करता हूँ और भी बनाना। गाइस मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूँ अपना, मैंने कहा पूरा मतलब स्ट्रक्चर तो बना ही लिया, और नीचे का मतलब बेस भी बना दिया था, मतलब ओक ओक लगा दी, ओक ओक प्लैंक्स लगा दिया नीचे मैंने। और ये वुड है हमारी, मतलब वुड से बना हुआ घर है हमारा यहाँ पे। मतलब और भी अभी काम बाकी है, मतलब और भी करता हूँ यहाँ पर, दीवार वगैरह करनी है साइडों की, यहाँ के लिए ग्लास करना पड़ेगा मेरे को गाइस, ग्लास कर देता हूँ मैं सारा। ग्लास करने के लिए मेरे को सैंड चाहिए, कि सैंड सैंड लेकर आनी पड़ेगी, सैंड लेकर आता हूँ सबसे पहले, सैंड लेकर आता हूँ, ये सैंड ले देता हूँ यहाँ से। फिर मैं सैंड लेकर आपसे मिलता हूँ जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको स्मॉल्ट भी करना रख दूँगा। काफ़ी सारी सैंड में स्मेल तो कर चुका हूँ, इस मैंने मतलब ग्लास भी बना ही लिए काफ़ी गाइस मैंने। और यहाँ पे मैं ग्लास वगैरह लगा देता हूँ, यहाँ पे ग्लास लगाए हैं, मैंने ग्लास लगा देता हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी से। और भी आगे घर कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर उसमें टाइम लग जाएगा ना मेरे को। ये लग गया, ये लगा चुका हूँ यहाँ पे, इसमें साइड की दीवारें वगैरह करनी है, इस वजह से मेरे को वुड तो लग ही जाएगा काफ़ी, क्योंकि मैंने इसका ये जो स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर काफ़ी वुड लग चुके हैं, काफ़ी सारी वुड ख़त्म भी हो गई मेरी। दो चेस्ट बनाऊँ यहाँ पे, सामान वगैरह रखूँ, यहाँ पे ग्लास वगैरह रख देता हूँ, कोई ग्लास की ज़रूरत है नहीं, ऊपर अगर बनाऊँगा तो ऊपर रख सकती हूँ, ग्लास की ज़रूरत यहाँ पर एक काम करता हूँ लगा देता हूँ। गाइस मैं अभी अपने दिमाग से बना रहा हूँ, वैसे नहीं बना रहा, मतलब जैसे मैंने पहले से दिमाग में स्ट्रक्चर बना लिया वो काम नहीं अभी मेरा, ऐसे ही बना रहा हूँ दिमाग से, बनाते जा रहा हूँ, बस देख नहीं रहा कैसे बनाना है। पहले दीवार वगैरह बना देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, इधर भी लगाऊँ पूरा मैं, ये लग चुका, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी हूँ मैं सारी, काफ़ी सारी वुड लेकर आया था उसमें काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को वुड वगैरह लेकर आने में, मैं कम से कम 7 स्टैक वुड लेकर आया था, 7 स्टैक से भी ज़्यादा। ये लग चुकी है यहाँ पर हमारी, इधर भी लगा दूँ उधर, और यहाँ पर दूर पड़ रहा थोड़ा सा इधर,
ये लग चुकी है यहाँ पर, इसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये लगा देते हैं यहाँ पर भी, पूरी मतलब मस्त सा वो बन जाएगा ना, लेआउट आ जाएगा पूरा मस्त। यहाँ पूरी पीछे दीवार कर देंगे, बाद में आगे और भी मतलब एक अलग से घर बनाएंगे। ये तो हमारा पहला घर है इस माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के अंदर, पहला घर जान सकते हो। वैसे तो मैंने पहले पार्ट के अंदर कहा था उस वाले आइलैंड पे बनाऊंगा अपना घर में, और ये जगह पे बनाना ठीक लगा मेरे को, इस वजह से यहीं पर ही बना रहा हूँ अपना घर। यहाँ पर सही भी है बनाना। अरे नीचे से लगा देता हूँ उस जगह पे ब्लॉक, यहाँ पे लग चुका है ये हमारा। ये यहाँ पर भी लगाते हैं अपने ब्लॉक। हमने स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी पूरा काम तो कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट क्या करते हैं, स्टार्टिंग तो हो चुकी है, कंप्लीट करते हैं इस घर को बनाते बनाते। काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा है इसमें टाइम हमारा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी हमारे इसकी भी। और यहाँ पर भी लगाऊँ मैं, अरे फ्रेंड्स वुड कम पड़ रही है गाइस, वुड भी लानी पड़ेगी, वुड की कमी। वुड रखी है वैसे तो अभी मेरे पे दो स्टैक रखी होगी उसके अंदर, ओक वाली वुड, ओक वुड मेरे पे दो स्टैक रखी होंगी, बाकी वैसी वाली रखी होंगी। इन्हें लगा दूँ मतलब कम पड़ी रहेंगी, ये लास्ट दीवार रहेगी थी इसे काटने में, 12 फुट से थोड़ी ना हो पाएगी। इधर लगाऊँ, ये लग चुकी है, ऊपर कुछ रह रही है मतलब 6 वुड, मतलब 6 प्लैंक्स और चाहिए हमें इसे कंप्लीट करने के लिए, वो लेकर आनी पड़ेगी वुड वगैरह, और ऊपर का वो भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, मतलब इसकी रूफ़ कंप्लीट करनी पड़ेगी, और इसके ऊपर भी एक कमरा बनाएंगे हम फिर बाद में, और ये और एक और घर बना लेंगे आगे जाके सर्वाइवल के अंदर। ये तो ज़्यादा कुछ करा भी नहीं मैंने, ना कोई फार्म बनाया ना कुछ करा अभी गाइस। यहाँ पर ये एक काम करते हैं, यहाँ से जल्दी जल्दी चलता हूँ मैं, ये चलो घास हट जाना, दिखाई नहीं देती घास ना, देखने नहीं देती खाना भी खाना है, कराऊँ उससे पहले टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को। एक स्टेप वुड लेकर आऊँगा आगे से, यहाँ से वुड ली मैंने, चलो प्लैंक्स भी पड़े तो प्लैंक्स भी काम ही आ जाएंगे। प्लैंक है हमारे पास, वैसे 6 प्लैंक्स की ज़रूरत थी हमें, ज़्यादा नहीं थी मतलब, अभी तो ऊपर का भी काम करना है, हो जाएगा मेरे ख्याल से इतनी वुड के अंदर काम हमारा। चलो काम करना स्टार्ट करूँ जल्दी जल्दी। ये छोटी सी शीप कहाँ से आई, चलो कोई नहीं आ गई तो स्पॉन हो जाती है कोई बात नहीं। इधर लगाऊँ, अरे गलत लग गई इधर गाइस मैंने यहाँ पर, और ये वही क्या कहते हैं इसे फायर वाला, ये भी लगा दिया था फायर कैंप वाला, ये भी लगा दिया था फिर उससे, और शवल से कर दिया था इससे छोटा आग बुझा दी थी इसकी, इस वजह से मैंने लगाई थी। अच्छा लग रहा था क्योंकि गाइस ये इससे और भी ज़्यादा अच्छी लुक आती है ना हमारे घर की। और मेरे को वो भी लानी पड़ेगी अभी तो, लीव्स पत्तियाँ जो कि इधर लगेंगी, पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस हमारे ये पहले से। अभी दीवार वगैरह कंप्लीट हो चुकी है हमारी इस घर की, साइड के ऊपर का काम रह गया मतलब ऊपर की रूफ बनाना बाकी है, वो कंप्लीट कर दूँ जल्दी जल्दी। और लीव्स भी लानी है उससे पहले रात हो, मतलब रात तो होने ही वाली है, रात हो रही है, लीव्स वगैरह लेकर आऊँगा इसमें, फिर लीव्स लेने के बाद मिलता हूँ। लीव्स लेने आ चुका हूँ गाइस में, वैसे जल्दी से लीव्स लेकर चलते हैं अपने घर के पास ही, लीव्स वगैरह लगानी है ना हमें अपने घर में जल्दी जल्दी लेने में। यहाँ पर अभी तो शेयर टूटने वाला है, टूट ही गया, नाम लिया तो टूट गया। हाँ चलो हो गया, इतनी इतनी लीव्स काफ़ी हैं हमारे लिए, अभी अंदर भी होगी कुछ लीव्स बहुत सारी हैं। मैं यहाँ पे लीव्स लगा चुका हूँ, और ये मेरे पिंक वाले फ्लावर मिले थे रास्ते में वहाँ से, वो भी ले लिए मैंने गाइस, ये अच्छे लग रहे थे घर के बगल में, इस वजह से मैंने लगा भी दिए गाइस। हमारा मैंने ऊपर का भी बना दिया मैंने रूफ़ वगैरह, कैसा लग रहा है गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा सर्वाइवल पहला घर काफ़ी जल्दी जल्दी में बनाया गाइस, ज़्यादा अच्छा ना लगा हो तो, वैसे तो काफ़ी बढ़िया बना है ये घर हमारा। यहाँ पर मैं चेस्ट लगा देता हूँ, काफ़ी सारी लगानी पड़ेगी क्योंकि स्टोरेज भी तो बनाना है हमारा, नीचे भी लगाऊँ। अरे चेस्ट के लिए बनानी पड़ेगी अभी तो चेस्ट में, मतलब वुड है हमारे पास कुछ ही हैं, ये वाली वुड है हमारे पास, इनसे बना लेता हूँ मैं।
चेस्ट हमारी, चेस्ट जल्दी जल्दी बनाने काफ़ी सारे। फिर एक काम करूँगा, चेस्ट की हमें पड़ जाएगी ना तो मैं बैरल्स बना लूँगा, फिर बैरल्स ना काम भी आ जाएंगे, मतलब स्टोरेज भी संभाल लेंगे अपना और चेस्ट की दिक्कत ही नहीं रहेगी। और चेस्ट कुछ लगा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ये लग गई हमारी 22-23 जो भी चेस्ट होगी हमारी, 22 चेस्ट लगा मिल चुके हैं। मैं यहाँ पे लगाऊँ और एक जगह छोड़ के लगाऊँ, इसके ऊपर वो लगा दूँगा, वो क्या कहते हैं कुछ भी, मतलब होता है ना साइन बोर्ड टाइप का, इस पर हम सामान लगा देते हैं, इसके अंदर पता लग जाता है कि क्या चीज़ है। इधर वो लगाऊँगा और इधर भी कुछ चेस्ट लगा दूँ यहाँ पर, देख क्या कुछ है। मैं अभी खोल के देख रहा हूँ यार, खोल के नहीं देखने अभी मेरे को, यहाँ पे लग चुकी चेस्ट भी ख़त्म होगी, बैरल्स बनाने पड़ेंगे मेरे को, बैरल्स के लिए वुड लानी पड़ेगी अभी मेरे को, ये वूल्स वगैरह रख दूँ। बेड भी तो बनाना है अभी हमें, बेड बनाएंगे फिर यहाँ पे सोना पड़ेगा। मैं वूल्स भी ले आया था, मेरे को ना बार बार ही दिक्कत हो रही थी, रात भर ना रात हो रही थी, जैसे मेरे को वहाँ पर सोने जाना पड़ रहा था गाइस, तो जैसे मैं यहीं पर ही बना लिया मैंने अपना ये। गाइस यहाँ पर मैं बैरल्स बना रहा था, बैरल्स वगैरह बना दूँ, यहाँ पे स्लैब लगेंगे वुड के मेरे को कुछ, और बेड भी बनाना पड़ेगा अभी तो, ग्रीन कलर का बेड भी बनाऊँ पहले मैं, यहाँ पे है ना मेरे पे अभी, उससे स्लैब बनाने से पहले बेड बना लेता हूँ, फिर बैरल्स भी बना ही लेंगे अपना आराम से, चिंता मत करो गाइस। ये मतलब घर बन के लगभग लगभग तैयार हो गया, रात हो गई ना, सोने का भी इंतज़ाम करना है। 2 बेड बना लिए गाइस मैंने यहाँ पर, अच्छी वो आ रही है, ग्रीन बेड बना लिए मैंने ना, मतलब बाकी कलर इतना मतलब सही नहीं लग रहे थे, जो ग्रीन बेड ना ज़्यादा मतलब मिलते भी नहीं है किसी घर में, इस वजह से मैंने ग्रीन बेड बना लिया। यहाँ पे वो बनाऊँ मैं बैरल्स, अरे बैरल्स की रेसिपी क्या होती है वो को याद नहीं आ रही, अरे गलत बना रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना बनता बैरल। यहाँ पे कितने वो बैरल्स की हो गया रेसिपी क्या, अच्छा ये है क्या बैरल्स की रेसिपी, तो बैरल्स बना लेते हैं गाइस पहले। मेरे को वुड चाहिएगा क्या, ये इतने में होगा ना, चाहिए 9 स्लैब्स, मतलब काफ़ी सारे हो गए स्लैब वगैरह भी, 54। अब इधर लगाऊँ कुछ, अब काफ़ी बन जाएंगे, 6 बन गए अभी, मतलब और भी लानी पड़ेगी स्टिक वगैरह, गाइस मेरे को स्टिक वगैरह लेकर आऊँगा वहाँ से, कुछ तो लग ही गए फिर भी, यहाँ पर लगा दूँ कुछ मैं, यहाँ पर लगाऊँ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लगाने के बाद इधर उधर ऊपर की तरफ उधर लगा दूँ चेस्टों के ऊपर, इधर लगानी तो है ही है, बाद में लगाऊँ चाहे अब लगाऊँ चेस्टों के ऊपर ही लगानी पड़ेगी मेरे को, बाकी मैं इधर ही लगाऊँ चेस्टों के ऊपर। हाँ चेस्टों के ऊपर लगा चुका हूँ गाइस मैं, मेरे को टॉर्च लगानी पड़ेगी इससे पहले, यहाँ पे टॉर्च लगाऊँ पहले, गलती से मैंने एप्पल ले लिया यहाँ पर, ये हो चुका है मेरे को यार, वुड चाहिए यार, वुड लेकर आऊँ पहले। गाइस मैं घर अपना कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे सारा कुछ लगा चुका हूँ, बैरल्स वगैरह भी लगा लिए गाइस मैंने अपने इस घर में, और यहाँ पे साइड में फेंसेस भी लगा चुका मैं, यहाँ पे अपने जानवर वगैरह छोटे छोटे मोटे अपने मतलब पेट वगैरह रख सकता हूँ, मेन जो हमारा पेट रहेगा उसे रख सकता हूँ। और मैं ये सब ब्रूविंग स्टैंड वगैरह, पोशन बनाने वाला स्टैंड वगैरह मैं बना के ले आया था मैं वहाँ से, मतलब मैं बना के नहीं, मतलब ये एक विलेज था, मैं विलेज से लाया था दूसरे किसी विलेज से, मैं यहाँ पे आर्मर स्टैंड रख दूँ, अपना आर्मर भी बनाना पड़ेगा, ये गोल्ड है हम पे कुछ, गोल्ड भी चेस्ट के अंदर डाल दूँ गाइस मैं जल्दी, मतलब बैरल के अंदर, फिर अपना घर तो कम्प्लीट लगभग लगभग हो ही गया है, और कुछ ज़रूरत तो है नहीं इसमें बनाने के लिए गाइस। फिर अब हमारा घर कैसा लग रहा है कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है हमारा घर, ये पूरी बन चुकी है, ये चेस्ट वगैरह मैं पहले फर्नेस वगैरह बना लेता हूँ, फर्नेस बना लूँगा तो फिर यहाँ पर स्मेल्ट करने के लिए रख सकता हूँ कुछ भी सामान, 3 लगा दिए मैंने वहाँ पर, अभी और की ज़रूरत है नहीं, 4 बचे हैं, इधर लगा दूँ ग्लास के पास लगा दूँ क्या, ग्लास के पास ही लगाने की सोच रहा हूँ वैसे तो मैं, कि और कहीं लगाऊँ, गेट के पास ग्लास के पास ही लगाऊँ मैं, यहीं यहीं पर ही लगा देते हैं गाइस। हाँ लग चुका मेरा, ये लग चुके फर्नेसेस भी, और यहाँ पर बताना कमेंट में ज़रूर कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऊपर से भी दिखाऊँ कैसा लगा हमारा ये, ऐसा कुछ बनाया हमने ये अपना घर, हमारा ऊपर का कुछ ऐसा दिखता है गाइस, कैसा लगा, यहाँ पे व्यू भी अच्छा आ रहा है ओशियन का, पूरा मस्त व्यू आ रहा है, पीछे अपना पहाड़ हो गया मतलब हिल्स माउंटेन्स छोटे छोटे से, यहाँ
से मैंने वो लगा दी, मतलब फेंसिस वाले वो लगे थे, फेंस डोर लगा दी अपने हमने। और ये हमारा घर तो बन के तैयार हो ही चुका है, देखते हैं बाहर से आपको कैसा लगता है, देखते हैं फिर ऊपर पहाड़ पे चल के दिखाएंगे कैसा लगा। गाइस ये हमारा घर, थोड़ा उधर से दिखाऊँ और भी अच्छा लगेगा, इधर से दिखाते हैं ना कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस। और ऊपर पहाड़ पे चल के भी देखें हमारा घर कैसा लग रहा है। और ये देखो गाइस हमारा घर कैसा लग रहा है, ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फिर इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। फिर गाइस मिलते हैं हमें, और फ्लैग के हमारे देश के फ्लैग के लिए ज़रूर लाइक भी करें, कैसा लगा ये हमारा फ्लैग भी। और मिलते हैं आपको फिर अपनी अगली वीडियो में। चलिए गाइस जब तक के लिए बाय।